श्रीमन, मुझे एक बात या कहने की भी आज्ञा दी जाए। मैं भारत की राजधानी की बात कहता हूँ, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की बात नहीं कहता हूँ। ऐसे समाचार पत्र भी इस समय दिल्ली राजधानी में हैं जो सरकार के कृपा पात्र हैं और सरकार की कृपा का वे दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं चाहूँगा मंत्री महोदय बाजार में जाकर अपने स्रोतों से इस बात की जानकारी लें कि जितना न्यूज प्रिंट उनको मिलता है उसका पूरा उपयोग वे नहीं कर रहे हैं। वे अपनी संख्या ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं और न्यूज प्रिंट ब्लैक में बेचते हैं और ब्लैक से दूसरे समाचार पत्र उसी न्यूज प्रिंट को खरीदते हैं। जब सरकार की नाक के नीचे दिल्ली में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, तो दूसरे बड़े नगरों में इस प्रकार की घटनाएं नहीं घट रही होंगी। इसके लिए क्या गारंटी दी जा सकती है? मैं इसके लिए यह चाहता हूं सूचना और प्रसारण मंत्री इस बात को अवश्य बताएं इस सदन को कि भविष्य में न्यूज प्रिंट की कमी को पूरा करने के लिए उनके पास क्या योजनाएं हैं। क्या वे भारतवर्ष में उसका उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं या उसे बाहर से आयात करने के लिए उन्होंने कोई विशेष प्रयास किया है? मेरी जानकारी तो यह है कि बांग्लादेश से, जैसा कि मैंने समाचार पत्रों में देखा है, भारत को आने वाला न्यूज प्रिंट बंदरगाहों में पड़ा है, लेकिन राज्य व्यापार निगम ने जहाजों की व्यवस्था नहीं की जिससे वह न्यूज प्रिंट यहां आ सके और समाचार पत्रों को दिया जा सके। इस बात की जांच विशेष रूप से होनी चाहिए। एक बात मैं आकाशवाणी की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के संबंध में कहना चाहता हूँ। आकाशवाणी सरकार की एजेंसी नहीं, देश का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है, लेकिन कुछ दिनों से आकाशवाणी की जिस तरह की स्थिति बनती जा रही है उससे लगता है कि स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति का यह माध्यम भी अब धीरे धीरे सरकार के विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनता जा रहा है। परिणाम क्या है? मैं चाहूंगा कि गुजराल साहब इस बात को बताएं कि वह वास्तविकता है या नहीं। सरकार पहले तो अपने विभागीय अधिकारियों को रिपोर्ट लेने के लिए या पता लगाने के लिए भेजती है या उनसे सर्वे कराती है, और जब उसमें कुछ वास्तविकता होती है और किसी ढंग से वह प्रसारित हो जाती है तो उन अधिकारियों को दंडित किया जाता है। मेरी जानकारी में यह है कि गुजरात के संबंध में जहां की खाद्य स्थिति की जानकारी लेने के लिए सरकार ने अपने एक अधिकारी को नियुक्त किया, वह अधिकारी वहां की खाद्य स्थिति की जानकारी लेने के बाद यहां आए और सामयिकी में उनका कार्यक्रम प्रसारित हुआ। स्पॉटलाइट में भी वह प्रसारण इस देश के खाद्य मंत्री को बुरा लगा कि रेडियो से इस प्रकार की वहां की खाद्य स्थिति के बारे में क्यों प्रसारण कर दिया गया। मेरी जानकारी में कैबिनेट की पॉलिटिकल समिति में भी वह बात गई और वह अधिकारी आकाशवाणी में नहीं रह सका और उसे हटा दिया गया। मान्यवर, रेलवे का जो बजट हमारे रेलवे मंत्री जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया है, मौजूदा हालात को देखते हुए इससे अच्छा और सूझबूझ और अक्ल वाला बजट कोई दूसरा प्रस्तुत नहीं कर सकता था। मैं इसके साथ साथ यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि इतना बड़ा रेलवे विभाग है फिर भी इसमें इतना घाटा क्यों होता है। मेरी उम्र करीब 50 साल की हो गई है, 30 साल से मैं सूझबूझ रखने लगा हूं और देश की हालत के बारे में बहुत सोचने की कोशिश भी करता रहा हूं। मैं अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं पा सका हूं कि रेलवे के अंदर चाहे आप रात को जाइए, दिन में जाइए और चाहे प्रथम श्रेणी के टिकट खरीदने के लिए जाइए, द्वितीय श्रेणी के टिकट खरीदने के लिए जाइए, आपको टिकट नहीं मिलता है। इसका मतलब यह है कि रेलवे फुल कैपेसिटी में चलती है। हमारी रेलें 2400 घंटे चलती हैं। जब इतना बड़ा विभाग होने पर भी कोई सीट खाली नहीं होती तो मेरी समझ में नहीं आता है कि रेलवे में घाटा क्यों होता है। आज तक मैं इस पर सोचता रहा हूं। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बात का जवाब दे कि क्या कारण है कि जब महीनों तक टिकटों की वेटिंग लिस्ट बनी रहती है, लोगों को टिकट नहीं मिलते हैं, तो फिर घाटा क्यों होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन में कोई खराबी है या विरोधी दलों के लोग बीच में घुसे हुए हैं और वे रेलवे प्रशासन में दुर्व्यवस्था फैलाते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार को इन लोगों से सावधान रहना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि इस घाटे का कारण क्या है। रेलवे के बजट में यह जो घाटा होता है उसका क्या कारण है, इसको मंत्री महोदय बताएं।
दूसरी बात यह है कि मालगाड़ियां जितनी भी हैं, अगर उनको देखें तो वहां कोयले की आवश्यकता है जो पूरी नहीं हो रही है। कोयला नहीं आ रहा है, यह क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बोगियां नहीं मिलती हैं, बोगियां इतनी है ही नहीं जिनसे देश की मांग पूरी हो सके, तो मालगाड़ियों में भी उपलब्धता नहीं है। बोगियों में भी बहुत भीड़ है, वे भी पूरी कैपेसिटी पर चलती हैं, तो फिर घाटे का सवाल क्यों पैदा होता है? मेरा तीसरा सवाल यह है कि रेलवे के अंदर दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? यह बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई, जबकि रेलवे लाइन अलग है, रेलवे लाइन पर हवाई जहाज चलते नहीं हैं, बैलगाड़ी नहीं चलती, मोटरसाइकिल नहीं चलती, रेलगाड़ी ही चलती है। जब रेलवे लाइन पर रेलगाड़ी ही चलती है तो दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? कहीं इन दुर्घटनाओं के पीछे विरोधी दलों का हाथ तो नहीं है? तो मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि वह इस बात का जवाब दे कि वे कौन सी विरोधी पार्टियां हैं, वे कौन से तत्व हैं जो रेलवे के अंदर उपद्रव करते हैं।